अगली खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बहेड़ी से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिला अधिकारी पारुल तरार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर तेजवीर सिंह के साथ साथ समाज सेवी व नगर वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान विधानसभा संयोजक सुरेश कंगवार व नगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने समस्त देशवासियों से अपील कर कहा कि वे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में हिस्सा लेकर देश हित में योगदान करें। तिरंगा यात्रा रैली बहेड़ी के रामलीला मैदान से शुरू होकर थाना बहेड़ी, नगर पालिका परिषद, उप जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी आराम सिंह के कार्यालय पर जाकर यात्रा का समापन हुआ। नमस्कार, मैं रामाशंकर शर्मा न्यूज 21 से। मैं आज पहुंचा हूं जिला बरेली की तहसील बहेड़ी में, जहां आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज रैली निकाली गई है। जानते हैं आज के यहां के समाज सेवियों ने जो रैली निकाली है, उनसे थोड़ा परिचय करते हैं और जानते हैं सर इसके विषय में। जी सर, थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम सम्राट सिंह है, भारतीय जनता पार्टी जिला बरेली का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इस तिरंगा यात्रा में आज सहभागी हुआ हूँ। और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए और बदलते हुए भारत को दोबारा से भारत माँ के खोए हुए भैरव को पाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। घर घर में तिरंगा झंडा लगे और हर व्यक्ति अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करे और देश जो नई ऊंचाइयां छू रहा है उसमें कदम से कदम मिलाकर पूरा देश साथ चले, इसी आशय के साथ तिरंगा यात्रा हम सब लोग भागीदार हुए। धन्यवाद। भारतीय युवा नेता जी हैं जो बहेड़ी की शान है और एक पहचान रखते हैं बहेड़ी के अंदर, आइए उनसे जानते हैं थोड़ा सा विचार। आप देख रहे हैं किस तरह युवाओं में जोश देखा जा रहा है आज़ादी के प्रति। जी सर, क्या नाम है? राहुल गुप्ता हूँ, उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी बहेड़ी का। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोगों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा बहेड़ी नगर में निकाली है और उसमें हमारे जिले के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित थे, सभी नौजवान उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर और जो पार्टी संगठन ने हम सबको दिशा निर्देश दिया है उसके आधार पर हम सभी लोग पूरे बहेड़ी के क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, जहाँ हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, अपने घर पर तिरंगा अवश्य लहराएँ। भारत सरकार ने तिरंगा जो फहराने का जो अधिनियम है उस पर जो संशोधन किया है, अब हम लोग 13 तारीख से 15 तारीख तक दिन में भी और रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। तिरंगे का सम्मान हमारा बना रहे क्योंकि तिरंगा जो है वो हमारी आन बान और शान है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से अधिक संख्या में अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं और अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का इस तरीके का है कि वो तिरंगा नहीं ले पा रहा है तो हम उसको अपनी तरफ से तिरंगा भेंट करके उसके घर में भी तिरंगा लहराने का काम करें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आज की इस यात्रा में जितने भी नौजवान मेरे साथी आए हैं, जिले के पदाधिकारी आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं और यहां के पुलिस प्रशासन का, यहां के उप जिलाधिकारी का, तहसीलदार का, कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और हम सब लोग मिलकर इस देश के इस सबसे बड़े पर्व को मना रहे हैं। और मैं अपने आप को भी बहुत भारी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हम सब लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश पूरे करने के साथ साथ अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहेड़ी विधानसभा संयोजक भाजपा के माननीय सुरेश गंगवार जी हैं, आइए जानते हैं इनसे विचार, कितने लोग हमारे इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा में शामिल होकर लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, आइए जानते हैं। भारत माता की जय। आज 75वें। जी पहले आप अपना नाम बताएं। मैं सुरेश गंगवार, विधानसभा संयोजक भारतीय जनता पार्टी बहेड़ी। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में पूरे हिंदुस्तान में आज तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इसी निमित्त आज बहेड़ी विधानसभा के अंतर्गत भी ये तिरंगा यात्रा को यहां निकाला गया है और आपको विदित होगा कि देश को ऐसी शख्सियत मिली है, ऐसी ताकत मिली है जो एक बार आह्वान करते हैं पूरा हिंदुस्तान उनके कहने पर एक लीक पर चलने को खड़ा हो जाता है और आज वही परिणाम है कि आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। आज जो आह्वान था हमारे जिला नेतृत्व का, 500 कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के द्वारा ये
तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इस निमित्त हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें आए हमारे जिले के महामंत्री श्रीमान मेघनाथ कठेरिया जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान महामंत्री, हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री कुमार सेन मौर्या जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री सम्राट सिंह जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री हेमंत हेमू जी और बहुत सारे कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। जय हिंद, जय भारत।